आखिर क्लास सेवेंथ के अंदर भी हम इमोशन और टाइम के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? मोशन तो वही जो लूज मोशन होते हैं, और टाइम टाइम तो बचपन में ही देखना सीख लिया था। ये चैप्टर तो बड़ा खराब सा लग रहा है मुझे। नहीं चीकू, यहाँ पर लूज मोशन की बात नहीं हो रही है, और टाइम टाइम के बारे में भी तुम जानोगे इस चैप्टर के अंदर। ये जो मोशन है इसका मतलब कुछ और है, और यहाँ पर जो टाइम है वो कैसे मोशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो भी हमें पता चलेगा। तो चलो इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है भैया। अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, प्लीज इस चैप्टर को मुझे पढ़ा दीजिए। और आप कह रहे हो तो मैं पढ़ ही लूंगा इसे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ और वीडियो को लाइक भी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, चलिए अब आप पढ़ाइए इस चैप्टर को। आखिर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का सिंपल मतलब है कि आप हिलडुल रहे हो, उसे ही तो हम लोग मोशन बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सुबह सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठकर फटाफट स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल के लिए चले गए, तो घर से स्कूल तक जब आप पहुंचते हो तब स्कूल तक पहुंचने में आपको कुछ समय लगता होगा, जैसे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, या कभी कभी 1 आवर भी लग जाता होगा जब बस खराब हो गई तो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मोशन जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा मोशन जो है वो टाइम के साथ होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल घर से और स्कूल सिर्फ 1 मिनट के अंदर पहुंच गए या फिर आपको टाइम ही नहीं लगा। टाइम तो लगता है हमें। तो हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझते हैं। इफ अ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेट टू बी इन मोशन। लिख सकते हो इस डेफिनेशन को, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। सिंपल इसका मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर अपनी अगर पोजीशन को चेंज कर रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, जैसे आप घर से स्कूल तक गए थे तो उस तक पहुंचने में जो भी आपको क्या हुआ, ये मोशन होने में आपको टाइम लगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि मोशन टाइम के साथ ही देखने को मिलता है। अब सेवेंथ क्लास के अंदर हमें मोस्टली ज़्यादा मोशंस के बारे में तो नहीं पढ़ना, लेकिन दो ऐसे मोशंस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला है लीनियर, या फिर उसे हम लोग ये भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन बोला है तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधे एक लाइन के अंदर चल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा रहता है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज सर्कल्स के अंदर घूम रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन लीनियर मोशन। तो ये दो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी। इनको राइट डाउन भी कर सकते हो और अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हो। आगे हमें ये पता चलेगा, मोशन से रिलेटेड ही टॉपिक है, कि जो मोशन होता है मतलब आप घर से स्कूल तक जब आप पहुंचे हो तो यहां पर जब आप तेजी से भागकर स्कूल तक जाते हो तो कितना टाइम लगेगा? सर लग जाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे भागते हुए। तो और जब आप बिल्कुल आराम से जा रहे हो, आपको पता है आज टेस्ट है तो आराम से जाऊंगा मैं धीरे धीरे, शायद मेरी वो टेस्ट वाली क्लास मिस हो जाए, तो आप धीरे धीरे करके जब स्कूल जाते हो तो आपको शायद 20 मिनट्स लग जाए। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि मोशन क्या होता है, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। और यहां पर टोटली डिपेंडेंट होता है मोशन किस चीज के ऊपर, एक तो कितना डिस्टेंस कवर करा आपने और कितना आपको टाइम लगा। तो मान लो अगर आप स्कूल जल्दी पहुंच रहे हो फटाफट रनिंग करके, तो आपने क्या करा, फास्ट मोशन, बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गए। अगर आप धीरे धीरे पहुंच रहे हो तो आपका क्या होगा, वो स्लो मोशन। तो सिंपल हमें पता चला कि स्लो मोशन क्या होता है, फास्ट मोशन क्या होता है। अब इसी चीज को हम लोग स्पीड भी तो बोलते हैं। हाँ सर, स्पीड भी बोलते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, कितनी तेजी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है या कितनी तेजी से वो चल रहा है। तो स्पीड की हम लोग क्या डेफिनेशन बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? तो जो स्पीड होती है, स्पीड का मतलब आप यही समझ लो कि हमारी रफ्तार, किसी भी चीज से रफ्तार हम लोग बोलेंगे,
कि एक कार है जो बहुत तेज चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। एक कार जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, मतलब थोड़ा धीरे चलती है, तो हम बोल देंगे कि उसकी स्पीड क्या है, थोड़ी स्लो है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको स्पीड समझना है तो स्पीड के अंदर भी हमारी थोड़ी तीन टाइप की स्पीड आती है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरी होती है एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे बाद उसकी स्पीड तेज हो गई और कुछ घंटे बाद उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो ऐसा नहीं हो रहा। मान लो कोई भी ट्रेन है या फिर कोई भी कार है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कार है, एक कार है जो कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पर सीधे सीधे चलती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ना ही वो तेज चल रही है ना ही वो थोड़ी स्लो हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड उसने पकड़ी हुई है, जैसे 60 की स्पीड उसने पकड़ी हुई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, ना ही इसकी स्पीड तेज हो रही है और ना ही इसकी स्पीड स्लो हो रही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, ना ही उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और ना ही उसकी स्पीड डिक्रीज होती है इन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वही यूनिफॉर्म स्पीड का उल्टा। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी चीज है उसकी स्पीड क्या होती है, ऊपर नीचे, मतलब कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसे ही हमने क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट टाइम गैप्स इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिंपल। इसके बाद है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब ये तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात हमने करी थी, एवरेज स्पीड का मतलब कुछ सिंपल ही होता है कि ये जैसे कि कोई चीज़ है वो कभी तेज चलती है कभी स्लो चलती है। मान लो कभी 90 की स्पीड पे चल रही है एक ट्रेन और कभी वो किसकी स्पीड पे चल रही है, वो कभी चल रही है 60 की स्पीड पे, तो हमने क्या करा, एक उसका एवरेज निकाल लिया कि हमें पता चल जाए कि इसका एवरेज क्या होता है। तो सिंपल उसे ही हमने क्या बोल दिया, एवरेज स्पीड, कि मतलब एवरेज उस ट्रेन की निकली, मान लो कभी वो 90 की स्पीड पे चलती है कभी वो 50 की स्पीड पे, तो हमने एक एवरेज निकाल ली कि ये 70 की इसकी क्या है, एवरेज है, मतलब इतनी ही, लगभग इतनी स्पीड पे ये चलती है। स्पीड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, वो है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर, लेकिन डिस्टेंस और टाइम कहां से आ गया इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पीड किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं किसी भी चीज की, सर स्पीड कैसे पता लगाएंगे, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत तेज रनिंग करता है, इमेजिन करो बहुत तेज भागता है, तो आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि उसकी स्पीड बहुत तेज है। सर सिंपल है, मतलब मान लो सर वो हमारा जो ग्राउंड है फटाफट उसको एक कोने से ग्राउंड के दूसरे कोने तक फटाफट वो सब बच्चों से तेजी से पहुंच जाता है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, डिस्टेंस मतलब आपकी क्लास में जो वो स्टूडेंट है वो ग्राउंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बहुत जल्दी पहुंच रहा है और बच्चों से, तो मतलब क्या वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर रहा है। अब इसी के साथ दूसरी चीज भी है, टाइम, कितने टाइम के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। मान लो और बच्चों से अगर वो थोड़ा धीरे चलता है उसको टाइम ज्यादा लगता है, तो आप बोलोगे कि उसकी स्पीड तेज है, नहीं सर हम तो नहीं बोलेंगे, फिर तो वो बहुत धीरे चल रहा है बच्चा। तो इसके अंदर हमें समझ में आता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी चीज कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितना उसे टाइम लग रहा है, तो हम लोग स्पीड उसकी बता सकते हैं, स्पीड को हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो स्पीड का फॉर्मूला था इसी को हम लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड, अगर हमें स्पीड नहीं गिवन तो और हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिस्टेंस वाली जगह पर डिस्टेंस लिख देंगे और टाइम वाली जगह पर टाइम, तो हम लोग जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको हमारा डिस्टेंस नहीं गिवन है और स्पीड और टाइम गिवन है, तो क्या करोगे, सिंपल इस फॉर्मूले को उल्टा कर दोगे। सर उल्टा कैसे कर देंगे, अरे बहुत सिंपल है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम कर देंगे हम लोग,
डिस्टेंस को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहां पर जब हम टाइम को यहां से इस साइड से दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड की जगह किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है सर, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्टेंस और स्पीड बता रखी हो और टाइम ना बताया हो तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, यही तरीका अप्लाई होगा। हम लोग टाइम को इधर ही छोड़ देंगे और जो हमारा ये स्पीड है, स्पीड यहां पर क्या है, ऊपर की साइड में है। तो जब हम लोग इसको दूसरी साइड में लेकर आएंगे स्पीड को, तो क्या हो जाएगी स्पीड देखो डिवाइड के अंदर आ जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा इज इक्वल्स टू टाइम। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे किसको, टाइम को। आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। आप एवरेज स्पीड लिख दो इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज एवरेज स्पीड और कुछ भी नहीं होता एवरेज स्पीड के अंदर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। और एक बार वीडियो को बैक जाकर दोबारा इस पूरे प्रोसेस को देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं टाइम की। आखिर टाइम किस तरीके से मेजर करा जाता है। सर बहुत सिंपल है, फोन में चेक कर लो, क्लॉक में देख लो, पता चल जाएगा टाइम। ये तो बात है अब की, लेकिन पहले के जमाने में टाइम को किस तरीके से मेजर करा जाता था या फिर जाना जाता था, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। पहले के लोग या तो मॉर्निंग से जब सूरज उग गया तब हमने बोल दिया सिंपली उसे मॉर्निंग बोल दिया, जब सूरज ढल गया तो नाइट हो गई, तो इस तरीके से भी टाइम का पता लगाया करते थे। मंथ्स हो गए, मंथ्स के बीच का जो टाइम हो गया वो देखकर वो बताया करते थे। ईयर्स हो गए तो ईयर्स को भी वो बताया करते थे कि ईयर कैसे होती है, कैलकुलेट करा करते थे वो लोग। तो ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में लोग मतलब कि नोटिस करके अर्थ के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ को बता दिया करते थे। तो एक प्रॉपर डिवाइस होना चाहिए था टाइम को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर कंसेप्ट आया क्लॉक्स का। क्लॉक्स को आखिर घड़ियों को यूज़ करा जाए। तो ये जो क्लॉक होती थी ये पीरियोडिक मोशन मतलब घूमती थी, सर्कुलर मोशन के अंदर हमें देखने को मिलता था, या फिर कोई भी पीरियोडिक मोशन यूज़ करने के लिए हम लोग इनको यूज़ करा करते थे। अब यहाँ पर क्लॉक्स जो थी एग्जैक्टली हमने स्टार्टिंग में ही ऐसी क्लॉक्स नहीं बना ली थी जो आप अभी करेंटली पहनते हो। बहुत डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स को यूज़ करा जाता था। तो जो सबसे पहली क्लॉक थी वो थी सनडायल। सनडायल ऐसा होता था कि जो सूरज होता था उसकी रोशनी से पता लगाया जाता था कि कितना टाइम हो रहा है। तो सनडायल का इस्तेमाल होता था इस तरीके से। दूसरी थी सैंड क्लॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर ग्लास भी बोलते हैं। तो इसको यूज़ करा गया था टाइम पता करने के लिए। फिर तीसरा वाटर क्लॉक भी होती थी, उससे भी टाइम को पता करा जाता था। फिर पेंडुलम क्लॉक्स आई, पेंडुलम क्लॉक से हमें पता चलने लगा टाइम। उसके बाद आती है क्वार्ट्ज क्लॉक। ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं ये वो वाली क्लॉक्स हैं जो आजकल के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हुए देखते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पावर पहुंचाने के लिए इनके अंदर सेल्स लगाते हैं, और इस तरीके से ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता पाती हैं। फिर डिजिटल क्लॉक्स वगैरह, इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ सबका। तो अभी जो मॉडर्न ज़माने में आप लोग अपनी घड़ियाँ देखते हो, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन क्वार्ट्ज क्लॉक या फिर डिजिटल क्लॉक्स, ये सब के ऊपर बेस्ड रहती हैं। पहले ज़माने में क्या क्या यूज़ होता था, हमारा सनडायल यूज़ होता था, सैंड क्लॉक यूज़ होती थी, वाटर क्लॉक यूज़ होती थी, पेंडुलम क्लॉक यूज़ होती थी। पेंडुलम क्लॉक अभी भी यूज़ होती है कई जगहों पर। तो इस तरीके से पहले ज़माने में टाइम को पता लगाया जाता था। तो पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो पेंडुलम क्लॉक है इसके बारे में आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बुक के अंदर लिखा गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक बॉल टाइप होती है या फिर नीचे कोई चीज़ अटैच्ड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। ये जो बॉब होता है ये मेटल का बना हुआ होता है, तो कंटेन करती है एक बॉब को क्या, एक पेंडुलम क्लॉक। और ये जो बॉब होता है ये एक तरीके की मेटलिक बॉल होती है या फिर एक स्टोन होता है, जिसको क्या, एक स्टैंड से या फिर एक थ्रेड से कनेक्ट करा हुआ होता है। मतलब एक थ्रेड या स्टैंड पर ये लगा हुआ रहता है। ये देखिए, इस तरीके से एक थ्रेड होता है या फिर एक स्टैंड होता है जिससे ये लटका हुआ रहता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। मतलब कि इधर से उधर जाता है, मतलब राइट जाता है फिर लेफ्ट जाता है। मतलब ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा। तो ये एक जगह से दूसरी जगह
हिलता रहता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। एक बार इसने अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो उसे ही हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर मीन पोजिशन टू इट्स एक्सट्रीम एंड्स इट इज सेट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब ये जो बॉब होता है ये इस जगह से राइट वाली साइड में भी चले जाए और लेफ्ट वाली साइड में भी चले जाए, फिर दोबारा सेंटर के अंदर आए, तो वो हम लोग कहते हैं उसे कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसे हमें पेंडुलम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स जिनसे मेजर करा जाता है टाइम और स्पीड को। तो टाइम और स्पीड को किन यूनिट से मेजर करा जाता है? सिंपल है, अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूँ तो आप तीन तरीके से बता सकते हो टाइम। तीन तरीके से कैसे सर? या तो आप सेकंड्स में बताओगे कि सर मैं 2 सेकंड में आया, या फिर आप मिनट में, सर मैं 2 मिनट में आया, या फिर आप सर मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा पढ़ने के लिए। तो ये तीन तरीके थे, तीन यूनिट्स थी। फर्स्ट यूनिट थी सेकंड्स, दूसरा था मिनट्स, थर्ड था आर। उसके बाद हमारी स्पीड की बात होती है। तो स्पीड का क्या होगा, स्पीड की यूनिट क्या रहती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था हमारा, हमने अभी अभी पढ़ा था फॉर्मूला। तो स्पीड का, स्पीड के अंदर की मेन चीज क्या होती है? डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस को हम लोग किसके अंदर मेजर करते हैं? देखो, मीटर के अंदर मेजर करते हैं या फिर किलोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। और टाइम को हमने देख लिया किस किस के अंदर मेजर करते हैं, सेकंड्स के अंदर, मिनट के अंदर और आर के अंदर। तो हमें पता चल गया, अब सिंपली अगर हम लोग स्पीड की यूनिट निकाले तो वो क्या रहेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं हम लोग, m/s ऐसे लिख सकते हो, या फिर m ऊपर लिख सकते हो, फिर नीचे फ्रैक्शन में सेकंड्स लिख सकते हो, तो ये भी सही होगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या आता है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो आप लोग। किलोमीटर/आवर लिख दोगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। तो स्पीड का हमें समझ में आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड की प्रॉपर यूनिट क्या होती है, स्पीड को किस तरीके से मेजर करा जाता है वो हमें पता चला, और स्पीड की क्या रहती है यूनिट? मीटर अपॉन सेकेंड। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना हो 1 किलोमीटर पर आवर को, किससे किस में कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो तरीका आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? सर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर लिख लिया मैंने। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, तो सर 60 मिनट्स हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 60 मिनट्स के अंदर हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना था? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 60 मिनट्स को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 से अगर आप 60 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मिनट। तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स, और हमारा डिस्टेंस 100 मीटर का 100 मीटर ही रहेगा। तो 100 मीटर अपॉन 3600 सेकंड्स, इनको जब आप कट करोगे तो आंसर आएगा 1/3.6। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? हमारे व्हीकल्स जैसे कि कार हो गए, ट्रक हो गए, इन सब के अंदर यूज़ करा जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए किलोमीटर पर आवर के अंदर। किलोमीटर पर आवर के अंदर ही मेजर करी जाती है इसके अंदर स्पीड। देखना अगर आपके पापा की कार होगी या फिर आपके पापा की स्कूटी या फिर बाइक होगी, उसके अंदर आपको दिख जाएगा ये। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा गया है एक व्हीकल से, उस चीज़ को मेजर करने का डिवाइस। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड को। और ओडोमीटर क्या मेजर करता है? जस्ट डिस्टेंस को, कि एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्टेंस हमारे जिस भी व्हीकल ने कवर करा है डिस्टेंस। इसके बाद हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझने के लिए ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर नहीं लिया है आपने तो आपने जनरली देखा होगा ग्राफ पेपर कैसा होता है। तो आप देखो, ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस होती है एक जगह, और एक होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है सर? वाई एक्सिस क्या होता है? सिंपल होता है,
ये देखो, ये वाली जो लाइन है ओ से लेके एक्स तक की, इसे हमने क्या बोला है, एक्स एक्सिस, जीरो से लेकर एक्स तक की। और ये जीरो से लेके वाई वाली जो लाइन है इसको क्या बोल दिया है, वाई एक्सिस। मतलब ये वाई से लेकर जीरो तक जो भी चीज़ होगी इसको हमने वाई एक्सिस बोला है, और जीरो से लेके एक्स तक की जो भी चीज़ होगी इसे हमने एक्स एक्सिस बोला है। अब यहाँ पर हमें चूज करना है, किसको चूज करना है, हमें चूज करना है सिंपली टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह, और एक जगह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने क्या करा, वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया हमारा डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर लिख लिया हमने टाइम। तो हमने एक बॉक्स पे वन लिखा, तो ये क्या हो गया, टाइम कितना हो गया मिनट्स के अंदर, वन मिनट। और फिर यहाँ पर हमने क्या करा, किलोमीटर के लिए हमने यूज़ करा है क्या, डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पर वन बॉक्स बना दिया हमने किसका, किलोमीटर का। तो यहाँ पर एक बॉक्स किसका हो गया, एक बॉक्स हो गया टाइम का, और एक ही बॉक्स रह गया हमारा किलोमीटर का। ऐसे ही हम लोग आगे आगे बॉक्सेस को शेड करते जाएंगे और नंबरिंग पुट करते जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमने वैल्यू वगैरह भी लिख दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट्स के अंदर भी, और ऊपर टाइम डिस्टेंस के अंदर किलोमीटर की भी वैल्यू हमने लिख दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, वैल्यू मार्क करनी है मान लो किसी ऑब्जेक्ट की। कैसे मार्क करेंगे वैल्यू ऑब्जेक्ट की, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसने एक मिनट के अंदर एक किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगा के दिखा सकते हैं कि अच्छा इसने इतनी देर में इतना डिस्टेंस कवर करा, तो हमने वहाँ पर पॉइंट लगा दिया। फिर हमने क्या करा, फिर इसी ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ी देर के अंदर दिखा, तो इसने क्या करा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा 2 मिनट के अंदर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी क्या करा, पॉइंट लगा दिया कि इसने इतनी देर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। अब इसी के बाद हमने देखा कि 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर इसलिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 3 किलोमीटर्स का। तो ऐसे हम लोग डॉट लगाते लगाते आगे स्ट्रेट जा सकते हैं। अब हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जीरो से एक सीधे लाइन खींचे जिससे ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं ये कनेक्ट हो पाए। अब ये जो लाइन तुम्हारी बनेगी या फिर जो भी फॉर्म होगी आपकी ये लाइन, उसको नोटिस करना, अगर वो लाइन स्ट्रेट फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड, ना ही उसकी स्पीड बढ़ रही है और ना ही उसका टाइम बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा हो कि ये जो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा था कि वन ही किलोमीटर इसने कवर करा था 1 मिनट के अंदर, और फिर ये नेक्स्ट में ऐसा हो जाए कि इसने कितने किलोमीटर कवर कर ले, ये 3 किलोमीटर्स कवर कर ले 2 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो डॉट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन की जगह ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है। तो ये लाइन जब ऊपर नीचे होगी तो इसे ही हमने क्या बोल देंगे, हम लोग इसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कर्व जैसी शेप हो रही है, मतलब ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, एक कर्व टाइप बन रहा है। तो उसे ही हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यही होता है हमारे टाइम को किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ग्राफ के ऊपर, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार दोबारा इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाया है वो समझ लेना कि क्या करा है हमने, एक ऑब्जेक्ट को लिया है, उसको कहाँ पर क्या करा है हमने, सबसे पहले ग्राफ पेपर लिया है, उस पर वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टाइम लिया है, वन ड्रॉ कर दिया हमने एक बॉक्स के आगे टाइम वाले के, तो इसको क्या लिख दिया हमने 1 मिनट, फिर 2 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, ऐसे ही हमने वाई एक्सिस पे क्या करा है, डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने जो कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मान लो एक मिनट के अंदर एक ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है, तो हमने वहाँ पर डॉट लगाया है। फिर दूसरे मिनट के अंदर जब हमने चेक कराया तो उसने 2 किलोमीटर्स ट्रैवल करे हैं 2 मिनट्स के अंदर, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर भी डॉट लगा दिया। फिर इसको कनेक्ट करा है किससे, एक स्केल से लाइन खींचकर इसे कनेक्ट करा है, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो हमने इसे यूनिफॉर्म मोशन बोला है। मान लो यहीं पर ये डॉट ऊपर हो जाता, मतलब कि क्या यही ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर्स कवर कर लेता 2 मिनट्स के अंदर, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन रहती, ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती, टेढ़ी हो जाती, तो हम इसे क्या बोल देते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हों, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई हों। यही सारी चीज़ें समझ लो अच्छे से, यही आपके एग्जाम में आएगा। कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। जो डिस्टेंस है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज
कॉल इट स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर. तो हमें स्पीड से क्या पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है. मान लो आप और आपके फ्रेंड के बीच में रेस हो रही है, तो कौन रेस जीतेगा ये हम कैसे पता कर पाएंगे, आप दोनों की स्पीड से. द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. तो ये वही वाला फॉर्मूला आ गया हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड हमने यूनिट ली थी, मीटर पर सेकेंड की जगह कभी कभी ऐसे भी आ जाता है किलोमीटर पर आवर. मीटर की जगह क्या लिखा आएगा, किलोमीटर, और स्लैश सेकेंड की जगह आर. तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना सीखा था. इसके बाद आता है पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस. तो यहाँ पर क्या पीरियोडिक इवेंट्स को यूज करा जाता था, जैसे क्या अभी आप देखोगे कि यूजुअली सर्दियों के टाइम पे मकर संक्रांति सेलिब्रेट करी जाती है, और फिर होली, ये बोला जाता है कि होली के आते ही गर्मियाँ चालू हो जाती हैं. जनरली आपने ये सब बातें सुनी होंगी. तो पिछले ज़माने में इस तरीके से टाइम को क्या करा जाता था, कैलकुलेट करा जाता था, मेजर करा जाता था. और फिर हमारी बाद में जब क्लॉक्स और वॉचेस बनी, तब हम फिर टाइम को अच्छे से मेजर करने लगे. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू हमने मोशन भी देखा किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करता है. मान लो 1 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो हम डॉट लगाकर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, ना ही उसकी स्पीड कम हो रही है, और वो सेम स्पीड में ही चल रहा है और सेम ही उसे टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी ना, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसे ही हमने क्या बोला था, नो यूनिफॉर्म मोशन बोला था. और यहीं पर अगर ये लाइन हमें अलग तरीके से, मतलब कर्व, या तो थोड़ी ऊपर हो रही है या थोड़ी नीचे हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सिंपल सिंपल बात यही है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की, कि अगर आप 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर करते हो, फिर आप 2 किलोमीटर्स कवर करते हो 2 आवर के अंदर, तो आपका क्या कहलाएगी स्पीड, आपकी स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर. और अगर आप 1 किलोमीटर कवर करते हो 1 आवर में, फिर आप 1 किलोमीटर कवर करते हो, दूसरा जो 1 किलोमीटर है आपका उसे कवर कर लेते हो 30 मिनट्स के अंदर, तो यहाँ पर टाइम का आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो ये स्पीड क्या कहलाएगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब आपकी कभी स्पीड कम हो रही है, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं हम लोग इसे. और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक कॉन्स्टेंट आपकी स्पीड रहती है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों. क्वेश्चंस के आंसर फटाफट आप लोग लिख के दें और बताएं मुझे कि क्या होने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.